फ्रेंड्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सीए फाउंडेशन में अकाउंट में जो न्यू स्कीम है नया सिलेबस है उसमें यह चैप्टर ऐड हुआ है। इसीलिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को आप ये वीडियो शेयर करिए तो वो इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। सबसे पहले सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीटेड रिकॉर्ड प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल लर्न करने के बाद थियरी करो तो वहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट होगा और याद रह जाएगा। आप पूरा दिन मार्केट में घूमते हो, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, अपने घर के पास कोई दुकान है, पान की दुकान है, प्रोविजन स्टोर है, मिल्क के लिए डेयरी है, ये सब बिजनेस डेबिट क्रेडिट फॉर्म में डबल एंट्री में नहीं रखते हैं बुक्स। पान वाला होता है वो एक पान लेके जाता है तो डॉट कर देता है। ये सब लोग है छोटे बिजनेस की वजह से उनके पास नॉलेज भी नहीं होता है और पर्सन हायर करना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपनी जरूरत जितने अकाउंट्स ही वो रखते हैं। एक छोटा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, तो वहाँ पे भी आपका सिंगल एंट्री होता है। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट है वो लॉस्ट हो गया फायर की वजह से, और कोई बार डिपार्टमेंट वाले लेके गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिनांशियल स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। दो अलग अलग वे है। छोटा बिजनेस है तो वहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करना है सिंगल एंट्री में, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है। दूसरा बिजनेस आपका बड़ा है डबल एंट्री से ही रखते हो बुक्स, लेकिन बुक्स आपके लॉस्ट हो गए हैं। तो आपके बुक्स लॉस्ट हुए हैं, आपका क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, बैंक है, बैंक स्टेटमेंट है, पासबुक है, वो सब तो मिल जाएगा ना, परचेस के इनवॉइस है, उस सब पे से आप ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाओगे। तो यहाँ पे दोनों वे से हमें सिंगल एंट्री लर्न करना है। एक छोटा बिजनेस है, सिंगल एंट्री से बुक सकते हो, प्रॉफिट कैसे जानोगे। और दूसरा बिजनेस बड़ा है डबल एंट्री से बुक सकते थे, लेकिन डॉक्यूमेंट लॉस्ट हुआ है तो डबल एंट्री में कन्वर्ट कैसे करोगे। तो सबसे पहले सिंगल एंट्री के टाइप्स आप देखिए। पहला है प्योर सिंगल एंट्री। प्योर सिंगल एंट्री पान वाला क्या करता है, जो पान लेके जाता है ना पर्सनल अकाउंट को डेबिट करता है, वो कुछ नहीं करता है। प्योर सिंगल एंट्री P4P, प्योर सिंगल एंट्री ओनली पर्सनल अकाउंट, प्योर सिंगल एंट्री ओनली पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या है, सिंपल सिंगल एंट्री, जोर से बोलो। दूसरा क्या है, सिंपल सिंगल एंट्री, उसमें कौन से बुक रखते हैं, पर्सनल अकाउंट्स एंड केस बुक। इसीलिए सबसे पहले P4P, प्योर सिंगल एंट्री में ओनली पर्सनल अकाउंट, सिंपल सिंगल एंट्री में पर्सनल तो रखते ही हैं, लेकिन SC केस बुक एड हो गया। केस बुक भी सिंपल सिंगल एंट्री में आप रखते हो। एंड थर्ड वन दैट इज द कोजी सिंगल एंट्री। कोजी सिंगल एंट्री में आगे क्या था, पर्सनल अकाउंट आएगा, केस बुक आएगा, और एड क्या होगा, सब्सिडियरी बुक। कौन से तीन तरीके हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्योर सिंगल एंट्री में कौन से अकाउंट रखते हैं, पर्सनल अकाउंट। दूसरा उसमें कौन सा अकाउंट रखते हैं, थर्ड उसमें कौन से बुक रखते हैं, ओके कीप कंटिन्यू। जब आप सिंगल एंट्री से बुक रखते हो तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप वही करते हो। समझो कि आपका छोटा सा एक प्रोविजन स्टोर है, आज के दिन यानी 1 अप्रैल के दिन आपके पास 2 लाख का स्टॉक था, 1 लाख का उघरा नहीं बोलते हैं डेटर्स थे, 3 लाख आपका बिजनेस में था। ईयर एंड हुआ, ईयर एंड के दिन आपने सोचा पूरे साल में हमने 1 लाख बिजनेस में विड्रो किया है, हमारा इन्वेंट्री है 2 लाख से बड़ा है, हमारे डेटर्स है 150 से बड़ा है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख हमने निकाला है, 2 लाख इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुआ है, 1.5 हमारे डेटर्स इंक्रीज हुए हैं, तो 4.5 हमारा प्रॉफिट हुआ। दोनों ही ईयर की कैपिटल कंपेयर करके
दोनों जगह का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कंपेयर करके आप नॉर्मल ट्रेंड में अभी भी जब बिजनेस चलाते हो ना तब तो फिर निकालते ही हो, आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कॉमर्स फील्ड के हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट मेथड में क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल हमारा 10 लाख था, ओपनिंग 6 लाख था, तो हमारा 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। कैपिटल कंपेरिजन करना है हमें कैपिटल कंपेरिजन करना है। मेथड्स ऑफ कैपिटल कंपेरिजन ये और कुछ नहीं है, कैपिटल अकाउंट ही है, आपने लर्न किया हुआ है कैपिटल अकाउंट 11 स्टैंडर्ड में वही है। देखो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ क्या आता है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस, प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, ये चीज़ हमें लिखना होता है। तो यही तो क्या है, क्लोजिंग में ड्रॉइंग ऐड किया है, यहाँ क्लोजिंग उसमें ड्रॉइंग ऐड किया है। फेस कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस यहाँ पे लेस किया है, ओपनिंग है वो भी लेस किया है, बिगनिंग बचा क्या, प्रॉफिट, यही तो प्रॉफिट बचा। कैपिटल अकाउंट है वेरी इजी, वेरी इजी, कीप कंटिन्यू। हमें यहाँ पे छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाना है सिर्फ, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना है 10,000, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल 12,500, डोइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ईयर है मंथली नहीं है, डोइंग्स कितना है, डोइंग्स है 3,000, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, इंट्रोड्यूस कैपिटल कितना है 3,750, टोटल यहाँ पे आएगा 15,000 एंड बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है 1,750, वेरी इजी। सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, 1100 में हमने स्टार्टिंग में सीखा हुआ है, यहाँ पे दोनों मेथड से किया है, एडलेस मेथड भी है, ड्रॉइंग सेट किया है एंड इंट्रोड्यूस लेस किया है, ओपनिंग लेस किया है, हमारा नेट फिगर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, दैट इज अवर बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन 1 था, बिगनिंग था, स्टार्टिंग था, इसलिए इजी दे दिया था, दोनों ईयर का कैपिटल दे दिया था आपको, दोनों ईयर का कैपिटल आपको दे दिया था। लेकिन अब जब आप लर्न करोगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, आपके दिमाग में अफेयर्स का जो मीनिंग आता है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बैलेंस शीट का डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। वैसे तो आप बोलोगे सर ये बैलेंस शीट तो ये है, हमें तो बैलेंस शीट ही लग रहा है, आप उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बोल रहे हो, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन्वेंटरी डेटर्स बिल्स रिसीवेबल लोन एडवांस कैश प्रीपेड एक्सपेंसेस लोन बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर्स बिल्स रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड कैपिटल, सर ये तो बैलेंस शीट ही है। हाँ मैं भी बोला बैलेंस शीट ही है, लेकिन उसको डिफरेंट आइडेंटिफाई करने के लिए नाम अलग दिया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाएंगे, उसका डिफरेंस भी हम लर्न करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसको और बैलेंस शीट को कंपेयर भी हम करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिंगल एंट्री में बनाया जाता है, बैलेंस शीट डबल एंट्री में बनाया जाता है। सबसे पहले आप देखो सोर्स, सिंगल एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, समझो बैलेंस शीट में तो हमारे पास सब्सिडियरी बुक है, हमारे पास डॉक्यूमेंट एविडेंस है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस बनाया है, तो उसके सब के बेस पे आप यहाँ पे सिंगल एंट्री डबल एंट्री में तो बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू यू। लेकिन सिंगल एंट्री में, सिंगल एंट्री में आप एस्टीमेट एजम्पशन मेमोरी का यूज़ करते हैं बैलेंस शीट बनाने के टाइम, क्या बोला है यहाँ पे, एस्टीमेट एजम्पशंस एंड मेमोरी। जब आप सिंगल एंट्री से बुक्स रखते हो और डबल एंट्री से पार्टली एंड पार्टली सिंगल एंट्री से, तभी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिंगल एंट्री और पार्टली डबल एंट्री में बनाते हैं, और बैलेंस शीट हमारा रेगुलर जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है उसके बेस लेके हम बनाते हैं। फर्स्ट है सोर्स, कैसे बनाया जाता है, सेकंड है कैपिटल। आप देखोगे ना तो सिंगल एंट्री में कैपिटल है वो बैलेंसिंग फिगर है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कैपिटल है वो बैलेंसिंग फिगर है,
लेट मी सी, यहाँ पे कैपिटल क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, एक्सेस ऑफ असेट ओवर द लायबिलिटी, एक्सेस ऑफ असेट ओवर द लायबिलिटी, असेट से लायबिलिटी ज़्यादा है, लायबिलिटी से असेट ज़्यादा है तो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल आएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सबसे पहले एस्टीमेट बेस बनाया जाता है, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कैपिटल है वो बैलेंसिंग फिगर होता है। लेट मी सी, बैलेंस शीट में कैपिटल, हम कैपिटल लेजर में से डिराइव करते हैं, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट टैली हो जाता है ऑलवेज, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड यानी असेट एंड लायबिलिटी ऑलवेज विल बी टैलीड, बैलेंस शीट टैली हो जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एस्टीमेट बेस बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बैलेंसिंग फिगर कैपिटल होता है, बैलेंस शीट डॉक्यूमेंट में बनाया जाता है, उसमें असेट लायबिलिटी टैली हो जाता है, कैपिटल का फिगर हमें लेजर में से मिल जाता है। यहाँ पे ओमिशन, देखो भाई आप मेमोरी बेस बनाओगे तो कुछ भी भूल सकते हो ना, एस्टीमेट है, एजम्पशन है, मेमोरी बेस है, तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कोई असेट लायबिलिटी भूल सकते हो, इसीलिए आपको बोला है यहाँ पे असेट लायबिलिटी कई बार ओमिट हो जाता है। लाइक बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप बैलेंस शीट में इजीली मिसिंग आइटम फाइंड कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज आपका बैलेंस शीट टैली होगा नहीं। बैलेंस शीट में डबल एंट्री सिस्टम है, इसीलिए बैलेंस शीट में आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई असेट लायबिलिटी भूल जाओ, वरना आपका बैलेंस शीट एग्री नहीं होगा, टैली नहीं होगा। आप जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो तब उसका वैल्यूएशन कंसीडर करोगे, वो अपने डिसीजन बेस आर्बिट्ररी, अपनी जो सोच होगी, अपने पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा उसके बेस पे आप वैल्यूएशन ऑफ द असेट लायबिलिटीज करोगे। बैलेंस शीट में आइदर हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल और AS10 PPE ऐसा साइंटिफिकली बेस लेके आप आइदर ओरिजिनल कॉस्ट और रिवैल्यूड अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में लिखोगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एस्टिमेशन एंड बैलेंस शीट में आप साइंटिफिकली AS10 फॉलो करके लिखोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो आपका सिर्फ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए एस्टिमेट बेस, आप असेट लायबिलिटीज लिख के बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फाइंड करते हो। ऑब्जेक्टिव हमने वही देखा, बिगनिंग एंड एंडिंग दोनों अकाउंटिंग पीरियड में आप कैपिटल फाइंड करना और कैपिटल के बेस पे प्रॉफिट फाइंड करना, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का पर्पस रहेगा। जब बैलेंस शीट का पर्पस, बैलेंस शीट का पर्पस आपको मालूम है फिनांशियल पोजीशन फाइंड करना रहेगा। आपको थियरी में भी कई बार पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट इन 4 मार्क्स मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, तो ये दो थियरी भी आपको याद रखना है। कीप कंटिन्यू, मैं ऐसा समझता हूँ आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स समझ में आ गया है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आप अपने मेमोरी बेस एस्टीमेट करके वैल्यूएशन निकाल के असेट रखते हो, लायबिलिटी रखते हो, बैलेंसिंग फिगर आप कैपिटल फाइंड करते हो, आर्बिट्ररीली वैल्यूएशन आप डिसाइड करते हो और कैपिटल के बेस पे आप प्रॉफिट फाइंड करते हो, वो उसका मेन पर्पस है। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, रीड दैट। राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1st April 2021। ही इन्वेस्टेड ए कैपिटल ऑफ 1 lakh, इट इज नथिंग बट ओपनिंग कैपिटल। On 31st March, he is following information available as per single entry system. Single entry system में आपको ये सब information दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे statement of affairs बनाएंगे। सबसे पहले cash balance, आपके पास cash balance है 3200। कैश बैलेंस है 3200, इन्वेंट्री है 34,800, रिसीवेबल यानी डेटर्स, रिसीवेबल का फिगर है 31,000, मशीन 85,000,
टोटल मुझे आपको ही देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स है 12,000, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन है 10,000, ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल अकाउंट में आएगा, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल है, गिव मी टोटल 1,54,000। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का टोटल है 1,54,000 और कैपिटल का डिफरेंस है 1,32,000। वेरी इजी। अभी आप जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे ओपनिंग आएगा, ओपनिंग आपको 1,00,000 दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग आएगा, क्लोजिंग आपको फाइन किया है 1,32,000। ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स है वो 24,000 है, कोई कैपिटल नया इंट्रोड्यूस नहीं किया है, टोटल आपका हो रहा है 156,000 एंड बैलेंसिंग फिगर इन कैपिटल अकाउंट 56,000, वो आपका है प्रॉफिट। आपको क्या फाइंड करने का बोला है यहाँ पे, रीड देयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, कैपिटल फाइंड करना है और क्लोजिंग कैपिटल के बेस पे आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री में दो साल के डेटा दिया हुए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर थ्री में दोनों साल की कंपेरिजन करके आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। फिगर आप मुझे देते रहिए। इलस्ट्रेशन थ्री, असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन 31 मार्च 2021 एंड 2022 आर एस बिलो। असेट लायबिलिटी आपको दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या बनाना है, पूछा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ टू ईयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ टू ईयर्स आपको लास्ट में पूछा है। कीप कंटिन्यू, यहाँ पे क्या पूछा है आपको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ टू ईयर्स 2021 एंड 2022। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट है 2021 2022, पहले ओपनिंग आएगा बाद में क्लोजिंग आएगा, वो ध्यान में रखना, मिस्टेक ना हो जाए। फर्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग है 1,00,000, नीचे एडजस्टमेंट दिया है, चार्ज द डेप्रिसिएशन, चार्ज द डेप्रिसिएशन 2.5%। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 2.5% ऑन बिल्डिंग, इसलिए यहाँ पे जो फिगर आएगा वो आफ्टर डेप्रिसिएशन आएगा, बैलेंस शीट में आफ्टर डेप्रिसिएशन आएगा। फर्नीचर पे आपको डेप चार्ज करना है 10%, फर्नीचर की वैल्यू है 50,000, फर्नीचर बोले तो 50,000 और डेप चार्ज करना है 10%, इसीलिए 45,000। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का फिगर है 1,20,000 एंड 2,70,000। डेटर्स एंड 40,000 एंड 90,000। कैश 70,000 एंड 85,000। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है ये, अभी ये इन हैंड है,
कैश इन हैंड कितना आएगा? 1200 एंड 3200 लोन 1 लाख एंड 80,000 क्रेडिटर्स 40,000 एंड 70,000 रीड दैट डेपिसन चार्ज करना था कर दिया वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर मैच्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंट इज 40,000 वो कैपिटल इंट्रोड्यूस है कैपिटल इंट्रोड्यूस है अपना बुक सामने रखिए तो ये आपको समझ में आएगा तो ये आप पढ़ पाओगे रीडेबल होगा और प्रोप्राइटर का पर मंथ ड्रॉइंग्स 2000 है या मंथ भूलना मत हाँ कई बार बच्चे क्या कहते हैं 2000 लेके आ जाते हैं तो बोलते हमें तो बहुत इजी क्वेश्चन था आता था लेकिन एक एक वर्ड है ना आपको गोल्डन पीरियड के मैसेज की तरह पढ़ना है पर मंथ यानी 2000 यानी 24,000 ड्रॉइंग्स होगा 24,000 है वो आपका ड्रॉइंग्स होगा लेकिन उससे पहले हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है गिव मी टोटल 381,200 यहाँ पे 590 381,200 590,700 गिव मी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल 241,200 ओके ये आपका आया ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल अभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करना है प्रॉफिट फाइंड करना है लेट मी सी अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल रखेंगे ड्रॉइंग्स रखेंगे लेट मी सी कैपिटल अकाउंट इन कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बाय ओपनिंग बैलेंस है वो पहले है 241,200 यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस What is figure of closing balance? 440,700. Capital introduce. कैपिटल इंट्रोड्यूस आपको पॉलिसी बोला है 40,000 की पर्सनल पॉलिसी थी 40,000 इज रिटेन इन द बिजनेस प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर की अपनी पॉलिसी थी वो उससे रिटेन किया है तो 40,000 यहाँ पे ऐड होगा ड्रॉइंग्स है 2,000 पर मंथ ड्रॉइंग्स का फिगर आएगा 20,000 गिव मी टोटल 183,500 वेरी इजी नथिंग सिर्फ ध्यान क्या रखना है आपको बैलेंस शीट फाइंड करने के टाइम आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं करना है वो यहाँ पे लिख दो वो क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन किए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या क्वेश्चन में क्या सीखा है और उसकी नोट्स लिखी है या नहीं वो इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको डेप्रिसिएशन लेस नहीं करना है बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन लेस करना है कीप कंटिन्यू यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था तो ओपनिंग बैलेंस तो एज इट इज हमने ले लिया और क्लोजिंग बैलेंस में डेप लेस किया ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें हमने एज इट इज लिया और क्लोजिंग बैलेंस में हमने डेप लेस कर दिया कीप कंटिन्यू
कई बार क्या होता है सिंगल एंट्री में आप स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंस बनाते हैं तो आपका डायरेक्ट वैल्यूएशन आरबीटीली आ जाता है, वही आपको बुक में रखना होता है। यहाँ पे तो आपको दोनों के फिगर दे दिए हैं और ओपनिंग बैलेंस में डे प्लेस करके आप क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर सकते हो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5, सेम कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, 2 साल का बनाना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। 3rd में आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोला था एंड 4th में प्रॉफिट बोला था, दोनों क्वेश्चन हमारा साथ में हो गया, इसीलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमने देखा था सिंगल एंट्री है, सिंगल एंट्री में कई बार डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं होते हैं, उस टाइम आपको अपनी तरीके से ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ये सेम मेथड है, छोटा बिजनेस है, आप डबल एंट्री रखते ही नहीं हो, एस्टिमेट बेस आप असेट लायबिलिटीज ले लेते हो, डिफरेंस कैपिटल फाइंड करते हो और कैपिटल का डिफरेंस आप प्रॉफिट फाइंड करते हो, वही कॉन्सेप्ट अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 साल का डेटा दिया है, देखो 2020 का भी दिया है एंड 22 का दिया है, आफ्टर 2 ईयर्स दिया हुआ है। आपको यहाँ पे बोला क्या है वो देखो, वेदर इनकम टैक्स ऑफिसर कंटेंट इज करेक्ट एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग। वैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पूछा नहीं है, बनाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन पूछा है आपको सिर्फ वर्किंग पूछा है। इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोल रहा है वो तो पढ़ो, वो बोल रहा है कि आपने चोरी की है, आपने पूरा प्रॉफिट दिखाया नहीं है। इनकम टैक्स ऑफिसर ऑफ जस्ट रीड द क्वेश्चन, इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ द श्री मोती फॉर द फिनेंशियल ईयर 2021 एंड 2021-22, 2 साल का उसने असेसमेंट किया, उसके बुक्स चेक किए, असेसमेंट यानी चेक करना, फील दैट सी मोती इज नॉट डिस्क्लोज द फुल इनकम, मोती ने पूरा इनकम नहीं दिखाया है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ सी मोती, आपको असेट लायबिलिटीज मोती का दिया हुआ है और 5,000 फी दे रहे हैं और ऐसा बोला है कि आप बोल के बताओ, देख के बताओ क्या मोती ने कुछ इवेजन किया है, टैक्स की चोरी की हुई है, इनकम छुपाया है, वो आपको पूछा है। गिव द फॉलोइंग पर्टिकुलर असेट लायबिलिटीज ऑफ द मोती 20 एंड 22 और नॉट डिस्क्लोज, एओ का क्या कहना है, नॉट डिस्क्लोज, जो एओ का कहना है वो सही है या नहीं, एओ का कहना है वो सही है या नहीं, वही आपको यहाँ पे आंसर देना है। पहले हम बनाएंगे वर्किंग, कॉलमनर वर्किंग बना सकते हैं, इट विल सेव योर टाइम। वर्किंग 2 ईयर्स पर्टिकुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/4/20, दूसरा है 1/4/22, 1/4/20 एंड 1/4/22। असेट्स आपको दिया हुआ है, कंट्रोल सी भी करना है, सिर्फ असेट्स लिखना ही है, असेट्स कैश इन हैंड कितना आएगा फिगर 25,500, इन्वेंटरी 56,000, इन्वेंटरी है 56,000, डेटर्स 41,500, लोन लैंड एंड बिल्डिंग है, कीप कंटिन्यू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड
लैंड एंड बिल्डिंग क्या है फिगर? 1,90,000 वाइफ्स ज्वेलरी वो भी हमारे लिए तो असेट्स ही है इसीलिए तो हम उसको लेके देते हैं वाइफ्स 75,000 अभी लायबिलिटीज लायबिलिटीज में सबसे पहले ओइंग टू मोतीस ब्रदर ओइंग टू ब्रदर क्या फिगर है 40,000 ओइंग टू ब्रदर 40,000 क्रेडिटर्स 35,000 ओके नाउ नेक्स्ट ईयर का 22 का कीप कंटिन्यू 22 का फिगर हमें लिखना है सबसे पहले कैश इन हैंड व्हाट इज फिगर कैश इन हैंड 16,000 कैश इन हैंड है 16,000 इन्वेंटरी 91,500 डेटर्स 52,500 लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000 मोटर कार 1,25,000 यहाँ पे हम ऐड करेंगे मोटर कार 1,25,000 मोटर कार वाइफ ज्वेलरी भाई करंट ईयर में वाइफ को भी आपने एक्स्ट्रा ज्वेलरी 50,000 का परचेस करके दिया अच्छी बात है वो बहुत खुश रहेगी अभी लास्ट टाइम 2 साल पहले ओइंग टू ब्रदर्स 40 था अभी लेने का है 20,000 तो ब्रदर्स लोन है हमने दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे असेट में बताया हुआ है 20,000 क्रेडिटर्स लायबिलिटी एक ही है क्रेडिटर्स लायबिलिटी है 55,000 चलो मुझे असेट कंट्रोल चाहिए एंड पहले ईयर में कितना है 3,88,000 लायबिलिटी 75,000 ए एंड बी कैपिटल आएगा ए माइनस बी 3,13,000 ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे टोटल 6,20,000 लायबिलिटी 55,000 क्लोजिंग कैपिटल ए माइनस बी 5,65,000 अभी यहाँ पे आपके पास दोनों साल का कैपिटल आ गया एडलेस मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हो इवेजन एंड अकाउंट बना के भी कर सकते हो अभी हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं लेट मी सी कैपिटल अकाउंट सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितनी है 3,13,000 बाद में क्लोजिंग कितना है 5,65,000 अभी देखो यहाँ पे आपको ऐसा बोला है डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर 4,000 पर मंथ कितना होगा पूरे ईयर का 4,000 पर मंथ 2 ईयर्स है इसीलिए 48,000 फर्स्ट ईयर का एंड 48,000 सेकंड ईयर का 2 ईयर्स का इसीलिए 96,000 ना यहाँ हमारा कैपिटल अकाउंट भी 2 साल का है हमारा कैपिटल अकाउंट है वो 20 से लेके 22 तक का है 1/4/20 से लेके 1/4/22 तक का हमारा कैपिटल अकाउंट है ऑलरेडी प्रॉफिट सोन हमने प्रॉफिट बताया है हमने प्रॉफिट कितना दिखाया है 1,05,000 2021 में 21-2 में
1,23,000। जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ नथिंग बट सप्रेस्ड इनकम, जो हमें बोला है ना कि इनकम सप्रेस हुई है। देखो यहाँ पे बोला है आपको, इज़ इट करेक्ट, ये आपका आर्ग्यूमेंट है वो करेक्ट है कि फुल इनकम आपने नहीं दिखाया है, नॉट डिस्क्लोज द फुल इनकम। फुल इनकम दिखाया होता तो टेली हो जाता। यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है, पहले टोटल करो, टोटल कितना आ रहा है, 6,61,000 सप्रेस्ड इनकम। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, एओ का, इनकम टैक्स ऑफिसर का कंटेंट है वो करेक्ट है। फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ, आपको सिंगल एंट्री नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो जो नया अपडेटेड सिलेबस हुआ है नए सिलेबस में, उसके वीडियो मिलते रहेंगे। अपने सभी ग्रुप में भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।